أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. من محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة ولا قضائهم اجمقين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن زننا لن يقول الإنسان والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم مرهقا तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जिसने कायनत को बग़ैर किसी मिन्नत और एहसान के खल्क फरमाया और तमाम हदगे सलाम सामवा मुक़दसा के लिए कि जिन्होंने बग़ैर किसी मिन्नत और अहसान के खल़ खुदा को खुदा से मिलाया अहमदिल्लाजीज मिनल ना मिनतिन अबिल्क्रज़ीम

अलसल अम्माबाद फ़र्श अज़ाय सरकारी सैदुलश पर आपकी खदमत मुकदस में तफ़ी क़ुरन और तारीख़ अमीरम्न अली इबन अबीबलम केनवान के तहत में अल्न मिन क़ुर कल आपकी ख़दमत में सरह मुबारक अल जिन से कुछ बातें बयान करने की शहादत को हासिल किया और इससे पहले कि आज फिर सरह मुबारक अल जिन के उन मकाम की तरफ सफ़र इख्तियार करें उससे पहले आपकी खदमत मुक़दस में इस बात का बयान भी कि कुछ मसाइल ऐसे कि जिनका बयान अब मम्बर से ज़रा ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है जैसे कि माह मुबारक रमज़ान में ख़ास तौर से और साल भर में आम तौर से अहल ईमान का उम्र मुफरदा का सफ़र इख्तियार करना तो मुफरदा साल के बारह महीनों में किसी महीने में भी किया जा सकता है अलबत् अगर रजबालमरजब में अंजाम दिया जाए तो बवायत इमाम जाफ़र सदक़ल वसलाम हज के बाद अफजल तरीन उम्रा उम्र रजबिया है खुदा मुझे भी और आपको भी माहे रज़बुल मुरज़ब में अपने घर की ज्यारत नसीब फरमाए लेकिन माहे रज़बुल मुरज़ब के अलावा साल के किसी महीने में भी आप उम्र अंजाम दे सकते बस ये ख्याल रखें कि माह मुबारक रमज़ान में उम्र का सफ़र इख्तियार करना गरजे इंसान अगर माह रमज़ान में कोई और सफ़र इख्तियार करे तो कराहियत रखता है लेकिन अगर सफ़र इख्तियार करे बराए बराय ज्यारात उम्र और, और हज तो कराहियत भी नहीं है सफ़र इख्तियार किया जा सकता है गरजे सफ़र का नतीजा ये बनेगा कि फिर अगर आपने क़याम अशरा दस दिन का क़याम अगर किसी शहर में न किया तो आपके रोज़े कसर हो जाएंगे किसी ने सवाल किया आगा इस आस्तानी की खिदमत में कि क्या मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में कि जहाँ मुसाफिर होने के बावजूद इख्तियार है मुसाफिर को कि अगर कयाम दस दिन से कम भी हो और तो नमाज चाहे तो पूरी भी पढ़ सकता है पूरे शहर मुकर्रमा में और पूरे शहर मदीन मनवरा में आगा सेस्तानी के मुक़लदीन तो क्या इसकी इजाजत है कि रोजा भी रख सकते क्योंकि तो हमने ये फार्मूला सुना हुआ है कि जहाँ नमाज पूरी हो जाती है और रोजा भी हो जाता है और जहाँ नमाज कसर होती है वहाँ रोजा कसर हो जाता है रोजे के कसर होने का मतलब रोजा नहीं रखा जा सकता तो सवाल तो अपने मकाम पर वैलिड है कि अगर नमाज में इख्तियार मिल रहा है मक्के की बरकत से मदीने की बरकत से तो क्या रोज़े में भी ऐसा कोई इख्तियार है नंबर एक तो आगाए सिस्तानी का जवाब ये जब बिल्कुल नहीं रोज़ा इन दो शहरों में नहीं रखा जा सकता जब तक कि क़्याम अशरा न किया जाए मक्के में और क्याम अशरा मदीने में तो अगर कोई माहिर रमजान में सफर इख्तियार करता है उम्र के लिए तो उमरा तो मिलेगा मगर तो रोजों के कसर होने के साथ हाँ अगर रोजे भी रखना हो तो फिर कयाम अशरा करना पड़े एक रास्ता और तलाश किया लोगों ने लोग रास्ता तलाश तो करते कि क्या नजर शरी करके नजरे शरी करके क्या माह मुबारक रमज़ान के रोजे मक्के और मदीने में कयाम अशरा के अलावा भी रखे जा सकते जवाब जी नहीं नजरे शर् वाजिब रोजों में माह रमजान में मुमकिन नहीं मन्क़द नहीं हो सकता लिहाजा अगर कोई ये सोचकर भी जाना चाहे तो रास्ता बंद है रहा मसला के उम्र मफरदा का एहराम कल मैंने बयान किया कहां से आपको पहनना उसके बाद एहराम पहनने का मतलब एहराम पहनने का मतलब वही लफ्ज है कि जैसे ही आपने मिकात पर ये मिकात से पहले नजरे शरई करने के बाद अपने सिले हुए लिबास को मर्दों ने अपने बदन से अलग किया बगैर सिले हुई दो चादरों को बतौर लिबास इख्तियार किया तो ये यह मुहरमातेराम की छब्बीस बातों के एतबार से पाबंद हो गए कि अब इन्हें अंजाम नहीं दिया जा सकता पूरी ये छब्बीस बातें तो अपने मकाम पर सबसे बड़ा मसला जो बार बार पेश आता है कि अब दिन के वक्त में आप बंद गाड़ी में सफर नहीं कर सकते खास तौर से जबकि आप ट्रेवल कर रहे मक्के के बाहर से मक्के जाने के लिए तो आप हालत एहराम में मर्दों के लिए बंद गाड़ी का सफर हराम है और हराम होने का मतलब कफारा वाजिब है अलबत् खात के लिए बंद गाड़ी का मसला कोई नहीं है तो इन इन छब्बीस मुहर्रमात में से पहला एक मसला बयान हो गया अगर जाना चाहते हैं तो ख्याल रखें रात में ट्रेवल करें तो रात में जाने का फायदा ये हो आगा से वालों के रात में जाने का फायदा ये हो अलबत् ख्याल करना कि रात में कहीं बारिश ना हो जाए रात में कहीं ऐसी तेज हवा ना चल जाए जिसकी बुनियाद पर बंद गाड़ी का सफर फिर कफारी की तरफ आपको मुझे ले जाए इसको हम समझाते हैं इस तरीके से जब कभी बारिश तेज होने लगे तो बताते हैं कि अब तो बकरे आने लगे सल बात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद तो माहिर रमजान में उमरे पर जा सकते हैं नंबर एक बिल्कुल जा सकते हैं इस उम्रे का नाम उम्र रमजानिया कहलाता है नंबर दो रोजा कसर होगा चूंकि आपका कयाम सऊदी अरब में दस दिन हो सकता है लेकिन मक्के में दस दिन फिर मदीने में दस दिन और दस दिन का मतलब पूरे दस दिन साढ़े नौ दिन भी नहीं चलेंगे इस एतवार से ना नजरे शर् करके रोजे के रखे जाने का इम्कान रोजे तो कसर हो जाएंगे और किबला माह रमजान के तो गुजर जाते हैं ईद के महीने के रोजे गुजरते नहीं हैं पूरे साल भर सबके साथ तो रोजे इंसान चला लेता है लेकिन जब सब खा पी रहे हो और आप रोजे से हो तो बड़ा मुश्किल इम्तिहान दिखाई देता है हालांकि खुदा सबको खिलाता है खुद नहीं खाता अब आइए इन दो मसाइल के साथ आ, उस मकाम पे वापस आते हैं, कि जहां आपको रोक कर गए थे सूरह जिन सूरह जिन बहत्तरवें नंबर का सूरा। अट्ठाईस में मुश्तमिल है और सोरे जिनकी इब्तदाई आयात की तिलावत हम कर रहे थे अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे बाजार अक्काज में तबलीग के लिए जाते हुए या वापसी में आपकी जनों से मुलाकात हुई आप क्या कर रहे थे आप तिलावत कुरान कर रहे थे या आप सुबह की नमाज पढ़ रहे थे या जनाब अबू अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद आप ताइफ की सरजमीन पर पहुँचे ताकि वहाँ के रहने वालों से इस्लाम की हिमायत का मुतालबा कर सकें लेकिन ताइफ के रहने वालों ने पैगंबर की पुश्ते मुबारक पर इतने पत्थर बरसवाए या खुद बरसाए कि आपके नालेने मुबारक ख़ून से भर गए आप जख्मी हालत में वापस निकल रहे ताइफ से तो एक बाग में अंगूरों के बाग में आपने जरा सा इस तरह फरमाई और आप एक दरख्त के साय में बैठकर आराम करना चाहते थे कि उस बाग के मालिक का गुलाम जिसका नाम था अदास, उसने पैगंबर पर ईमान लाकर आपसे इजहार मोहब्बत किया ऐसे में तो कोई अगर जुबानी जुमला ही मोहब्बत का कह दे तो इंसान को गनीमत महसूस होता कहते हैं जिनों से मुलाकात वहां पर हुई आपकी आइए जिनों से मुलाकात के दो तीन जुमले आपकी खदमत में और फिर हम आते हैं कि कौमी जिनको खुदा ने बनाया कैसे और कुरान ने जिनके मसाइल को कैसे बयान किया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं पहले एक जुमला आपकी खिदमत में कि सरकारें खत्म यह मरतबा सल्लाम की खिदमत में जिन किस तरह आए थे तो मक्कतुल मुकर्रमा में दो मकामा हैं एक मस्जिदुल जिन इसका नाम है इससे पहले मस्जिद अल अलहरस यानी हारिस हा रे हा अलिफ रे और सीन हारिस मस्जिद हारिस इसका एक नाम ये भी है अलबत् इस वक्त नाम जिन है और एक है मस्जिद जिन ये अजीजिया के इलाके में टनल के साथ का इलाका है और ये मन्नतमअ के रास्ते में मस्जिद अल जिन अल्लाह के रसूल से जिनों की मुलाकात कहां पर हुई यमन से वापसी पर तो कौन सी वादिया नखला थी जहां पर खजूरों के दरख्त हुआ करते थे जहां पैगंबर से जिनों की मुलाकात हुई अब्दुल्ला इबने मसूद आपके साथ साथ थे जिन्होंने आपसे आके मुलाकात की और अल्लाह के रसूल ने खत खींच कर इबने मसूद को खत के वहां रोका आप जिनों से मुलाकात के लिए उनके करीब गए और जिन्होंने सूरह जिन कि नजूल का मकाम या कलमा पढ़ने का हवाला जिन्होंने सरकार के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया जिन्हों की रविश जिन्हों के मामला एक तो सरकार खत्म ये मरतबा के साथ एक मौलाए कायनात अली यब ने अभी तालिब्लात सलाम के साथ मक्के में अलग और मदीने में अलग इनको को आहिस्ता आहिस्ता बयान करेंगे कौन कौन से वाकयात तारीख में पेश आए जिनों के अतबार अलबत् जिन क्या है जिन आग से बनी हुई ऐसी मखलूक है मैं नहीं कहता यह कुरान कहता है रहमान के अंदर आयत नंबर चौदह आयत नंबर पंद्रह ये इंसान और जिन दोनों की को तो खुदा ने बयान किया खलकल इंसान खुदा ने इंसान को बनाया किससे मिन सलसालिन कल फखार किससे बनाया मट्टी से चिकनी मट्टी से ऐसी मट्टी से कि जो पक्की ना हो लेकिन कल फखार आवाज ऐसी आती हो जैसे पक्की मट्टी से आती है। कल कलसाल भी कहा और कल फखार भी कहा खलकल जान मारे जिन मिन्नार जिन नहीं जान तो जिन और है और जान और है जिन जमा है जान मुफरद है जिन उसकी जमा बल्कि जमा नहीं इसमें जमा तो अब ये जो फर्क है ये अदबी बहस में चला जाएगा इसमें जमा क्या है और जमा क्या है फिलहाल लफ्ज जान क्या है लफ्ज जान है मुफरत एक के लिए इस्तेमाल कहते हैं यही जान है असले असले वो अव्वल जिन इससे औलाद चली जिनों की अब एक मसला परवर परवरदिगार आलम ने यहां इस्तेमाल किया खलकल जान ना जिन मन्नार अल्लाह ने जिनों को बनाया जान को बनाया किससे नार से आग से बनाया अल्लाह अकबर क्या शान है ने की आग तो किसी भी बने हुए को जला देती है खुदा उसी जलाने वाली आग से किसी को बना देता है अल्लाह अकबर खुदा उसी आग से किसी भी मखलूक को चाहे तो बना देता है ख़लकल जानला जानना मिन मारिज कौन सी आग मारिज मिन्नार मारिज का मतलब कौन सी आग बास ने इसमें लिखा कि मारिस से मतलब बगैर धुएं वाली आग इसमें धुआं ना पाया जाता आग तो है मगर धुआं नहीं है जबकि सोरह मुबारक अल हजर में खुदा ने इसी बहस को उठाया आयत नंबर छब्बीस में आयत नंबर पच्चीस में और अल्फाज लकत खलकान मिन, मिन हम इन मसनून हमने इंसान को बनाया है तो मट्टी से बनाया कितनी मट्टी से बनाया है ऐसी मट्टी जिसका रंग तब्दील हो गया हो पकने की वजह से कभी मट्टी पानी के साथ पड़ी रह जाए तो उसका रंग मट्टी वाला जरा सा तब्दील हो जाता है तो खुदा ने वहां पे लफ्ज को तब्दील किया मिन हम मसनून हमने बनाया किसको अल जिन जिन को बनाया कैसे मिन नारिन आग से बनाया मिन कबलो इंसान से पहले बनाया कौन सी आग से असमूम बनाया उस आग से जिसमें जहर भरा हुआ था लफ्ज का इस्तेमाल देखिए कि खुदा ने इंसान को बनाया तो मट्टी की बात की मट्टी नुकसानदेह नहीं होती मट्टी आग बुझाती है आग किसी को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती परवरदिगार ने दो अलग अलग ऐसी चीजों की बात बयान की कि जो आपस में जिद रखते हैं अगर मट्टी को डालिए आग पर शायद आपको याद हो मैं इससे पहले भी इसी मेंबर से बयान कर चुका गालिबन पंजाबी जुबान का मुहावरा मट्टी पाओ जब किसी मसले में आपको रफा दफा कराना हो तो कहते जी मट्टी पाओ मट्टी पाओ यानी छोड़ो बात को आगे बढ़ो तो आग बढ़ाना और है आग बुझाना और है शायद आपको याद हो पाकिस्तान के पुराने जमाने में अब अभी भी पुराने लोग वहां पर हैं रेलवे स्टेशन के बाहर आग बुझाने के लिए लाल रंग की बाल्टियों में मट्टी भरी हुई लटकी रहती थी क्यों थी इससे आग बुझाने का काम किया जाता है तो मट्टी आग बुझाने के लिए खुदा ने इंसान को बनाया मट्टी से और मट्टी आग से अफजल है लेकिन वमा खल जिन इल्ला इलाबुदून आयत का कह रही है कि हमने जिन और इंसानों को खलक फरमाया इबादत के लिए तो जो मकसद खिलकत इंसान है वही है। वह है जैसे इंसान मुक़ल्लफ़ है ऐसे जिन मुकल्लफ है धुआं नहीं है कौन सी आग से इसमें जहरीली कैफियत पाई जाती है और जिनों को इंसान अल्लाह ने इंसान से पहले बनाया इसीलिए जो पहला शख्स है जिसने हजरत आदम को सचदे से इनकार किया वो तो कौम जिन से है अब रहा एक मसला कि परवरदिगार ने जब जिनों को बनाया तो क्या सारे जिन आग से बने हैं जैसे सारे आदमी क्या मट्टी से बने जवाब जी नहीं पहला आदमी है जो मट्टी से बना है और बात के सारे आदमी एक तसलसुल में बने तनासुल में बने नुतफे से बने अलका बना मुसका बना एक पूरा वजूद सिक में मादर के अंदर बना मट्टी से कब बना तो मट्टी से पहला इंसान बना तो आग से पहला जिन बना और उसके बाद जिनों में ऐसे ही तवालुत और तनासुल है जैसे इंसानों में है ऐसे ही शादियां होती हैं ऐसे ही मर्द भी हैं ऐसे ही औरतें भी हैं ऐसे ही बच्चे और बच्चियां भी हैं इस इंसानों में है मुक़ल्लफ़ है अब रहा मसला कि बात साबित कहां से होती कि खुदा ने आदम को अफजल करार दिया तो किबला खुद सजदे वाली बात पूरी मौजूद है वक़त करम ना बनी आदम और आयत गवाही दे रही है खुदा कहता है हमने आदम की औलाद को मुकर्रम कर दिया फजीलत अता फरमाई उसे उठाया सवार कराया कश्तियों में उसे पानी पे चलने की सलाहियत बख्शी और अपनी मखलूक में से अक्सर पर हमने उसे फजीलत अता फरमाई सल बात पढ़े मोहम्मद <द्णागा> हो सकता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक आपको लेके कि जिनों के तूले उम्र के असबाब क्या हैं जिनों के इंतकाल कैसे होते हैं जिनों के मसाइल कैसे होते हैं अलबत् अभी सोरे जिन की तफसीर बाकी है और तारीख अपने मकाम पर बाकी है क्योंकि तो ये तीन अशरे मैंने आपकी खदमत में बयान किए थे कि तीनों का उनवान अलग अलग तफसीर कुरान का मौजू भी अलग है और तारीख अमीरमिन के तीन हिस्से हमने किए एक विलादत बात से लेकर माँ कबल हजरत और एक हजरत के बाद से लेकर वक्त शहादत वसल्लम और तीसरा हिस्सा शहादत खत्म मरतबत के बाद से लेकर मौलाए कायनात की अपनी शहादत के वक्त तक के हालात ये भी अपने मकाम पर उबाना चलने वाले और ये दोनों के तहत में सवाल और जवाब भी आपकी खिदमत में इसी मज़ालिस के जरिए से इन हर एक नवे दिन पर आपकी खिदमत में सवाल सिलसिला कायम किया जाएगा ऑनलाइन और फिर आप जो जवाब देंगे तो आखिर में किसी एक कामयाब हो जाने वाले मर्द को कामयाब हो जाने वाली खातून को इन बारगा की इंतजामिया की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा अब गौर से सुनना है जिनको शायद जिन काम आ जाए वैसे कोई काम आए ना आए मगर जिन क्या काम आएंगे जिनके काम अली इब्ने अभी तालिब आ रहे तो आइए अब फिर सुने गौर से ओहिया इलैया न नफरुम मिनल जिन की तिलावत का फायदा कल बयान किया कि जो पढ़ेगा उसे जिनों की तादाद के बराबर जो तस्दीक करने वाले पैगंबर तकजीब करने वाले रवायात में इख्तलाफ क्या मिलेगा इतनी तादाद में गुलाम आजाद करने का सवाब, इतनी तादाद जिन हैं कितने जिन बहुत सारे इतने सारे हैं कि मौलाए कायनात ने एक मरतबा जब अल्लाह के रसूल ने आपको भेजा अतरफा बिने शमरख के दरख्वास्त पर कबीले बनी खा, बनी काख का ये शख्स था जिन और पहली मरतबा पैगंबर के असहाब ने किसी जिन को शक्ल बशर में देखा जिन जिस शक्ल में चाहे सामने आ सकते जिन जिस शक्ल में चाहे सामने आ सकते तो चाहे हैवान की शक्ल में आए कि इंसान की शक्ल में आए यह अपने चेहरे पर रुमाल लपेटते हुए पैगंबर की खदमत में आया और आकर कहता इसका नाम था अतरफा बाप का नाम शमराख है कहता है मैं फरियाद लेकर आया हूं कि एक ही जगह है नहर की पानी पिलाने की हैवाना की और वहां पर हमारे कबीले मुखालिफ जो आले मोहम्मद के मुखालिफ इस्लाम के मुखालिफ है वो हमसे ताकत में ज्यादा और अफराद भी कवत में ज्यादा है वो हमें हमारे हैवानात को पानी पिलाने का मौका देते ही नहीं झगड़ा बहुत बढ़ रहा है अब किसी को भेजिए कि जो हमारे दरम्यान सुलो करवा दे तो पैगंबर ने भेजने से पहले फरमाए अपने चेहरे से नकाब हटाओ उसने अपने चेहरे से नकाब हटाई तो रिवायत के जुमले कि उसके चेहरे को देखा लोगों ने कि चेहरे पर ऐसे बाल हैं जैसे हैवानात के बदन पर होते हैं। चेहरा बहुत लंबा सा है और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं मगर दोनों आंखें फूटी हुई हैं और दांत इस तरीके से जैसे हैवानात के बड़े बड़े दांत होते ये चेहरा दिखाया क्यों पैगंबर ने कि अब कौन साथ जाएगा अब कौन जाए? आप मुतवजे हुए एक साहब की तरफ जिन्हें आप खूब जानते अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया कि जी आप जाइए जाकर ये दो कबीले इनमें सलो कराइए या तो वो इस्लाम ले आए या सलो कर लें ताकि यह झगड़ा पानी का मसला खत्म हो जाए कहने लगे मैं कहां जा सकता हूं मुझे जिनों के मामला समझ में नहीं आते अरे इंसानों के समझ में आते तो गनीमत थी फिर एक और साप से पूछ लिया उनका जवाब भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट था और फिर उसके बाद एक और साप से पूछा तो ये पूरा ही मसला एक जैसा असलवाद पढ़े मोहम्मद मोहम्मद मैंने तो बयान किया है तो उसी अगर सामने खड़ा हो जाए कोई आकर ऐसे तो क्या गुजारेगा हम में से कोई नहीं जाएगा जाना कहा बरे जमीन के अंदर आखिर में आखिर में अल्लाह के हबीब ने ये मिशन हवाले किया उसके के जिसके हवाले खुदा ने अपना घर किया था इसके आने से घर में दर हुआ उसी का नाम तो हैदर हुआ या के आने और उसको ही अल्लाह के रसूल ने ये मिशन सुपुर्द किया बाकी सब में सन्नाटा छा गया तो गनीमत है कि उस जमाने में दर्ज हरारत चेक करने के आलात मौजूद नहीं थे वरना कितनों को बुखार हो गया होता तिबला ये जनों का मसला है अल्लाह के रसूल के इस मिशन के सुपरदगी के जवाब में मौलाए कायनात खड़े मैं हाजिर हूं आपके हुक्म में चला जाता हालांकि अल्लाह के रसूल ने अतरफा से यह अहद लिया था जिसको ले जाओगे मेरे साथियों में से उसकी जमानत लोगे तुम मगर उसके बावजूद भी कोई जाने को तैयार ना हुआ मौलाए कायनात को रवाना किया कि वापसी का टाइम दिया था कि सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले पहले अली को वापस पहुंचाओगे सलमान कहते हैं क्या सलमान थे बाकी सब मुसलमान थे ये बेचारे अकेले सलमान थे ये पीछे पीछे चल दिए मौलाए कायनात की सलमान कहाँ जा रहे ये इंसानों की बजम में इमाम नहीं जा रहे और जैसे जैसे आपके साथ साथ चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे जहां अतरफा ने अब जमीन में दाखिल होने का इरादा किया इतनी शदीद धुंध मट्टी की थी उड़ रही थी मट्टी कि इमाम ने इशा फरमाया अब आब्दिल्ला अब आगे मत बढ़ना जनाबे सलमान की कुनियत है अब अब दिल्ला ए अब आब्दिल्ला अब आगे मत बढ़ना वापिस लौट जाओ यहां से और इमाम अतरफा के साथ जमीन में दाखिल हो गए अल्लाह के रसूल अपने असाब के साथ ये वाक्य मुकर्रमा का है अपने असाब के साथ वापस पलट आए नमाजे जहर के बाद रवानगी थी असर की नमाज हो गई मगरिब की नमाज हो गई ईशा की नमाज हो गई वो समझे के अली की नमाज भी हो गई आपको क्या खबर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता था मोनाफिकीन के दिल मुतमिन होते थे चलो जान छूटी अली भी गए और अली के साथ होने वाली तमाम फजाइल भी अब तो हम ही हम होंगे सलवा पढ़े वाले मोहम्मद मौलाए कायनात जमीन में दाखिल हुए और वापसी हुई अगले दिन जहर की नमाज के वक्त और वापसी कहाँ से हुई वापसी हुई सफा की पहाड़ी से सफा का पहाड़ फटा और मौलाए कायनात वहां से बरामद हुए और ऐसे बरामद हुए कि आपकी ज़ुल्फ़कार से खून टपक रहा था अब ये बहस हम कर सकते हैं कि जिनों में खून का रंग क्या होता है हो सकता है कि ए, उम्मत को दिखाने के लिए इस तरह के रंग की बात की गई हो तारीख के अंदर कि ताकि समझ लिया जाए कि जाने वाला हलवा खाने नहीं गया था जलवा दिखाने गया था जी हलवा खाना तो आसान है जलवा दिखाना मुश्किल है तो मौलाए कायनात ने वहां जाकर क्या किया अब ये सर सरनविश मौला की सरकारें खत्म ये मरतबा पूछी। आपने फरमाया कि यारी देर क्यों हो गई यार अल्लाह मैं जब पहुंचा इस कौम जिन के अंदर तो कौम जिन में जो इनका मुखालिफ कबीला था उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी बड़े ताकतवर थे इतने ताकतवर थे कि इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रखी थी मैंने पहले उन्हें दावत इस्लाम दी कि आओ मुसलमान हो जाओ तो इस्लाम से इनकार किया फिर मैंने कहा अच्छा मुसलमान नहीं होते तो आओ अपने ही कौमें जिनके इस कबीले से मुसालत कर लो कि एक दिन पानी तुम पे लाओ अपने हैवानात को इसका मतलब है जिनों में हैवानात भी पाले जाते हैं हैवानात को पानी पिलाने का तस्वुर भी मौजूद है एक दिन तुम पे ला लो एक दिन ये पे ला लो इस पर भी तैयार ना हुए तो फिर मजबूरन तलवार से फैसला करना आप फरमाते या रसूल अल्लाह तलवार चलाई तो सत्तर हजार अफराद को वासिल जहन्नुम किया आपने सुबह अल्लाह कह दिया हालांकि ये बने आग से हैं वासिल जहन्नुम आग में आग से बने हुए आग में जाएंगे चलिए गोश को तो तलवार काट सकती है क्या आग को भी तलवार काट सकती है क्या वो तलवार और है जो नहीं काट सकती ये जुल्फ ये सब काट सकती है सत्तर हजार अफराद को कौम जिन के अल्लाह के रसूल के वसी ने खुदा के वली ने मोमिनों के अमीर ने उनके अंजाम तक पहुंचाया यहां तक के अल-अमान की सदाएं बुलंद हुई अल-अमान या इमाम पहचानिएगा आज का उनवान आपकी खिदमत में तकरीबन अब आगे बढ़ रहा है अफजल कौन है मुकर्रम कौन है ताकतवर कौन है जिन बड़े ताकतवर हैं या इंसान इंसान पना लेते हैं जिनों की या जिन इंसान की पना लेंगे खुदा ने किसको मुकर्रम बनाया है क्या ताकत इंसान के पास है कि इंसान अपनी सलाहियत को पहचान तो ले आइए सूर्य जिन के अंदर वापिस जब कुरान सुना कौमे जिन के बाद अफराद ने ठीक तो कहने लगे ये कुरान सुना कहां पर इसमें इख्तिला है सुना जब कुरान को तो क्या कहा कि यह तो एक अजीब तिलावत है अजीब का मतलब यहदीश दे कि जो हिदायत कर रही है स की तरफ कमाल की तरफ तो हिदायत इलाहिया राह कमाल भी है और राह स आदत भी है हम इस पर ईमान लेकर आते हैं वलन नुश्री कब रब न और हम हरग अपने रब के साथ किसी एक को भी शरीक करार नहीं देते इसके बाद के जुमले बारह इस्तेमाल किए हैं अजीब बंदा से सूर्य का नंबर बहत्तर है जिनों के जुमले बारह हैं और हर बारह को शुरू किया ताकि हर्फ से इन्ना और अन्ना से कहते हैं वह अन्ना जद्दो ना मत तखदा मतदा सोहेबत वाला वा बेशक कि हमारा परवरदिगार जद्दो आला ना बुलंद है बुजुर्गी के लिहाज से हमारा परवरदिगार लफ्ज लफ्ज का इस्तेमाल किया है जद का मतलब दादा जद का मतलब नाना यहां जद का मतलब क्या अल्लाह जद है यहां जद का मतलब वो तो लफ्ज माजिद में है माजिद यानी बुजुर्गी करने रखने वाला उसी से लफ्ज जद है इसके माना बहुत सारे लिखे ने। अलबत् इमाम रागिब ने इसमें लिखा कि इससे मुराद है जुदा हो जाने वाला जद अलग हो जाने वाला तो बाकियों से जो अपनी बुजुर्गी में अलग हो हो जाए उसे जद कहते हैं जो दादा बन जाए तो बेटों से और पोतों से तो अलग हो जाता खुदा अपनी बुजुर्गी में सबसे मुनफरिद है अन्ना जद्दो रब्बिना बु, बुलंद है बुजुर्गी वाला हमारा परवरदिगार मतखा साहिबतन वाला वलदा ना उसने कोई जोजा इख्तियार की है और ना उसकी कोई औलाद है क्या मतलब इस आयत के पीछे कुछ मसाइल हैं जो इन आज शुरू कर रहा हूं बाकी बातें कल आएंगी कुफार मक्का कहते थे कि खुदा के यहां जो फरिश्ते हैं वो बेटियां हैं फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं तो खुदा की शरीक हयात कौन है ओम जिन से किसी खातून को मंसूब करते थे इसलिए सोरे जिन में खुद जिनों के अल्फाज ये है कि अन्ना जदो रबना मत खजा साहेबतन साहेबा मतलब बीवी वाला वाला था और ना कोई उसके औलाद आज की हद तक तफसर को यहां रोकते और तारीख में आते और तारीख है मोमिनीन अली हिब अबी अभी तालिबाल सला मौलाई कायनात की तारीख में मक्कतुल मुकर्रमा शाह वलियला अहमद बिन मोहम्मद इब्राहिम मुहदस दहलवी ने अपनी किताब इजालतुल खुलफा के अंदर और बहुत सारे शिया सुन्नी उलमा ने कि किताब अल-गदीर में साहिब किताब ने पूरा एक चैप्टर मुतमरतब किया विलादत तो अमीर फी जौफिल ये मौल कायन की विलादत बासादत मक्कत मुक्रमा खान काबा के अंदर हुई है इसे सुन्नी भी बयान करते और ये मुहदस दहलवी का अपना जुमला है ना इससे पहले और ना इसके बाद कोई और काबे के अंदर पैदा ही ना हुआ मगर रजब की या तो तेरह तारीख या जिल्हज की आठ तारीख इसमें अख्तिलाफलवाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलबत् मशहूर रजब की तेरह है रजब की तेरह तारीख जुमे का दिन सुबह की नमाज के करीब का वक्त और हाथियों वाले वाक को तीस साल मुकम्मल हुए थे जबकि मक्कतुल मुकर्रमा में अब्बास अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन कानब नामी दो अश बैठे मस्जिद हराम के अंदर सहम ने बैठे हुए कि ऐसे में फातमा बिनते असद को अंदर मस्जिद हराम में आते हुए देखा मस्जिद हराम में आप दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद आपने खाने काबा का तवाफ किया और खाने काबा का तवाफ करने के बाद खाने काबा की उस दीवार के पास पहुंची जो दीवार आज के ज्यारतों के उनवान में कहलाती है मुस्तजार मुस्तजार के पास पहुंचकर आपने अपने कलमाते अकीदत को बयान किया अल्लाह मनी मोमिन परवरदगार में ईमान रखती हूँ तेरी ज़ात पर तेरे अंबिया पर तेरी किताबों पर और जिस नबी ने इस घर की तामीर की उस नबी पर परवरदिगार तू मेरी मुश्किल को आसान फरमा तुझे वास्ता मेरे शिकम में आने वाली अमानत का तो पता चला अकीदे के साथ साथ तवस्सुल भी हो तो अली इब्न अभी तालिब का हो जब अली की मां का अपना गुजारा तवस्सुल अली के बगैर नहीं तो गली वालों का गुजारा कैसे होगा आपने जब दुआ मांगी तो बैठे हुए दो अफराद हैं देखा कि अचानक खाने काबा की दीवार उसी मकाम से शक हुई खाने काबा की दीवार शक हो इसका कोई हवाला कुरान से है या नहीं पहली बात तो याद रखें कि आया कुरानी मजीद ने इस तरह के खारिकुल आदात वाकयात बयान किए कि नहीं किए जवाब बिल्कुल किए हैं। अलबत्ता समझ में सबको नहीं आते वो अलग बात है या सब समझ में आते अली समझ में नहीं आते इसलिए कि जो खुश नसब होते हैं उन्हीं को खुदा खुश नसीब बनाता है अली समझ में उसी के आते हैं क्या कैफियत है अल्लाह आइए कुरान का हवाला कुरान का पहला हवाला सूरह मुबारक बकरा में क्या आदत बात हो सकती है कुरान जी हो सकती है आप बताएं ईमानदारी से हर मुसलमान पढ़ता है कि गाय के गोश को जिबा गाय को जिबा करने के बाद गाय का गोश्त लगाया गया मैयत को यह कुरान कहता सूरह बकरा में गाय का पूरा वाकया पसे मंजर में वो तो पूछते रहे कि कैसी गाय हो क्या करना चाहिए जब गाय को जिबा किया गया और उसके गोश का टुकड़ा लगाया गया मैत को तो उठकर बैठ गए इसका मतलब कि अगर किसी मुर्दा के गोश को लगाया जाए मुर्दा से तो जिंदा हो जाता है और फातमा बिनते असद ने अपने वजूद मुकदस को काबे की दीवार से मस्त किया और खुदा ने काबे की मुर्दा दीवार में हयात पैदा की ऐसे खुली जैसे कोई मोमिन के चेहरे पर लबों की मुस्कुराहट हो दूसरा हवाला चलिए ये बात अपने मकाम पर हजरत सवाले के साथ क्या हुआ था हजरत सवाल के साथ कौम ने मुतालबा किया था कि अगर आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं तो दिखाएं ये पहाड़ से जिंदा ऊटनी निकालकर पहाड़ से जिंदा ऊटनी कैसे निकल सकती है नहीं निकल सकती तो क्या हजरत सवाले ने पहाड़ को तोड़ा था अंदर से अगर नाकतुल्लाने बाहर आना हो तो पहाड़ शगावता हो जाता है और अगर वली यो लाने आना हो तो दीवार शगाफ्ता हो जाती मगर ऊटनी समझ में आ गई अली समझ सर बात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद ये सूरह होत पढ़ लीजिए सूरह व शब्द पढ़ लीजिए ना कतुल्ला व सुखियाबूहू अकरूहा दम दमा अलिम रब बेम्वा फोकबा अब अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं सहन के अंदर जो मौजूद वो दो अफरादे एक अब्बास अब्बासबन अब्दुल मुत्तलिब एक यजीद बिन कानब ये चली गई अंदर और जाने के बाद वापस दीवार बंद हो गई गई हैं बारह की रात में रात में गई हैं दिन में नहीं गई अल्लाह अकबर और अंदर जाने के बाद वो क्या वो अलग मसाला पूरी तारीख है जो पढ़ी बहुत कम जाती अंदर जाकर किससे मुलाकात हुई कौन खिदमत के लिए आया रोशनी का इंतजाम कैसे हुआ खाने का बंदोबस्त किसने किया बस इतनी बात याद दिलाओ कसम खुदा जिनकी समझ में दीवार का शक होना आ गया उनके दिलों से शक निकल गया और जिनकी समझ में शक नहीं आया तो उनके दिलों में शक रह गया जो खुदा बुला सकता है वो खिला भी सकता है और बिठा भी सकता है तो आप गई हैं शबे तेरह में और आई हैं शबे सत्रह में तीन रातें चार रातें आपने वहां गुजारी हैं और जैसे ही आप दाखिल हुई तो आपका इस्तकबाल किया जन्नत से आने वाली खवातीन ने पता चला खुदा ने जिन खुत को शुरू से मुंतखब किया था आखिर तक सबको मुंतखब किया था उनके जमाने के लिए नहीं अपने अली के जमाने के लिए हजरत होवा की आमद भी है हैजरत हवा की आमद भी है हजरत आसिया की आमद भी हजरत उम्मे कुलसूम हाद जनाब मूसा की आमद भी है हजरत मरियम की आमद भी है इन खातन की आमद और बाज रवायात में हजरत सारा की आमद भी है पांच खातन का नाम खास तौर से मिलता है। ये पांच खातन जनाब फातमा बिनते असद का इस्तेमाल कर रही थी अल्लाह अकबर मक्के के बाहर वाली औरतें और हैं खुदा के घर के अंदर वाली औरतें और हैं अब मैं पूछता हूं बताएं ये पांचों आई कहां से अब एक का आना समझ में नहीं आ रहा साहब आपने पांच की और बात शुरू कर दी ये बाकी पांच कहां से आई थी तो जो खुदा एक को बेच सकता है वो पांच को बेच सकता है इतना बता दे कि चाबी और ताला दोनों थे खानदान वालों के पास काबे के दरवाजे पर ताला था चाबी घर में थी तो ना तो ताला खुला ना चाबी इस्तेमाल हुई और ये सारा वाकया पेश आ गया बताने का मकसद ये कि अली वाले घबराए नहीं लाख दरवाजे बंद हों चाबी किसी और के पास हो अगर आप अली वाले हैं तो आपको खुदा रास्ता कहीं ना कहीं से बना के पहुंचा देगा सलबात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद बस अलहरंग गुस्तगु तमाम बाकी बातें इन शल सौर जिन की तफसीर और मौलई कायनत की तारीख़ में चंद जुमले और उन जुमलात में तो क्योंकि वो बहुत अहम जुमला में से दो जुमले ख़ास से पेश कर दो कि जब मौलई कायनत तशरीफ़ लाए रजब की तेरा को सुबह की नमाज़ के बाद का वाक़ फ़ज्र के वक्त में तो आपकी आमद के बाद आपके कलेमात क्या थे आपको आगोश में कैसे लिया और किस किस ने लिया फिर आपको मुबारकबाद देने के लिए काबे के अंदर कितने अंबिया पहुंचे क्या दावत थी वलीमे की बाहर और क्या खामोशी थी काबे के अंदर कि आने वाले सब अदब के साथ सलाम कर रहे थे जीदान ग्रामी कदर फर्श अजाय सरकारी सैदुल शहदा पर कल एक तस्करा किया था आपकी खदमत तस्करा था हजरत सईद इबन जबीर का सईद कर्न की तिलावत बहुत किया करते थे और सईद के बाद आज तस्करा एक और कारी कुरान का है यह कारी कुरान कौन है और इनके साथ क्या वाकयात पेश आए उसको बयान करते करते खास जुमला ये कौन सी शख्सियत जिनको अजमी कहा गया यमन में रहते थे बनी असद की किसी औरत के गुलाम थे अजम का मतलब फारसी बोलते थे और नाम था उसकत सालिम और जब मुलाकात हुई मौलाई कायना से तो आपने नाम पूछा नाम सालिम। फरमाया अल्लाह के हबीब ने मुझसे फरमाया था कि वो नाम जो तुम्हारा अजम में रखा गया मीसम उस नाम को इख्तियार करो मीसम के माना क्या मीसम के माना है कि राह पर मजबूती के साथ कदम जमा के चलने वाला जो रास्ते पर कदम जमा के मजबूती के साथ चले उसे मीसम कहते हैं इमाम फरमाते हैं आज से तुम्हारा नाम वही वाला है मीसम अलबत्ता तुम सालिम को कुनियत में ले आओ तो हो गए अबू सालिम कुनियत में आए। अबू सालिम का मतलब क्या है सालिम कहते हैं जिसमें कोई नुकसान ना हो इसको नुकसान से बचना हो मीसम के शागिर्दों में चला जाए मीसम अबू सालिम है और आपकी शख्सियत में प्रोफेशन अपने मकाम पर सब सुना हुआ है आप बस मेल लिए चलता हूं मक्का मुकरमा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाते मीसम ए इब्ने अब्बास आओ जो चाहो मुझसे पूछ लो मैंने तंजील अली को सुनाई है और तावील अली से ली है तंजीले कुरान मैंने सुनाई किसको है मौलाई कायनात और तावील का इल मुझे मौला ने अता किया जो चाहो मुझसे पूछ लो वो सारी गैब की खबरें सुनाने लगे क्या क्या गैब की खबरें सुनाई सरकार सैयद शहदा की शहादत की खबर सुनाई अपनी शहादत की खबर सुनाई हाकिम में शाम के मरने की खबर सुनाई और करबला के वाकयात के बाद जो कुछ होने वाला था उसे मीसम ने बयान करना शुरू किया मीसम साहिब में मनाया और बलाया था ऐसा कार्य कुरान जो अली के सामने कुरान सुनाता हो ऐसा साहिब राजदार अमीरमिन इससे मौला ने तावील का इल्मा किया अल्ला हो अल्लाह अकबर मीसम इमाम की खदमत में और इमाम फरमाते मीसम तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुमसे कहा कहा जाएगा कि मुझसे बरात इख्तियार करो मिसम रोने लगे कहते मौला मुझसे मुमकिन नहीं कि मैं आपसे बरात इख्तियार करूं। मीसम अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे हाथ कटवा देगा कहते हैं, मौला मैं तब भी बरात इख्तियार नहीं करूंगा तुम्हारे पांव कटवा देगा मीसम कहते हैं मौला तब भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता मीसम और तुम्हारी जुबान कटवा देगा मीसम कहते हैं मौला मैं आपके साथ रहूंगा अगर तुम सुबाते कदम पर रहे तो तुम जन्नत में मेरे दर्जे के अंदर रहोगे अल्लाह अकबर खुदा आप सबको नसीब करे में तंबार के और रोजे की ज्यारत बड़ा मुश्किल वक्त था मीसम के लिए जब मीसम को करबला के वाक से सिर्फ आठ दिन पहले करबला के वाक से आठ दिन पहले यानी सन साठ हिजरी में जिलहज के महीने में 22 तारीख को पास कहते हैं अट्ठाईस तारीख को मिसम को शहीद कर दिया गया मगर शहीद ऐसे नहीं किया गया मिसम को बुलाया गया कहा गया अली से बरात का इजहार करो मिसम ने इनकार किया तो कहता था शकी ये तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे मिसम कहते मुझे मेरे मौला सब बता गए हैं क्या खुशी थी अपनी शहादत की कि अमर बिने हरीस के घर के साथ जहां खजूर के सूखे दरख्त पर आपको लटकाया जाना था उस खजूर के दरख्त को पानी दिया करते थे कि ये गिर ना जाए मीसम से पूछा ओबैदुल्ला इबन ज़ियाद ने अच्छा और क्या कहा था क्या मीसम बताओ क्या कहा तुम्हारे मौला ने कहा हाथ कटवाएगा पांव कटवाएगा और जुबान कटवाएगा तो इब्ने जियाद कहते हैं मैं तुम्हारे मौला के फरमान को गलत साबित करूं तुम्हारे हाथ तो कटेंगे पांव कटेंगे जुबान नहीं कटवाऊंगा मिसम तैयार हैं और मिसम ने ऐसा काम किया कि जुबान कटवानी पड़ गई जब यहां से यहां से हाथ कटे और घुटने के पास से आपके दोनों पांव काट दिए गए तो गोश का लोथड़ा था खून बहता था क्या फसाहत और बलागत थी और लटका दिया गया खजूर के सूखे दरख्त की शाख पर और फरमाते थे आओ मुझसे फजाइल अली सुन लो मीसम फजाइल अली बयान कर रहे और ऐसे फजाइल अली बयान किए अल्लाह अकबर के लोग जमा हो होकर हदीस लिखना शुरू हो गए खबर पहुंच गई इब्ने ज़ियाद तक इब्न ज़ियाद ने घबरा कर जल्दी जा, जा के जल्लाह से कह इसकी जुबान काट ले वो तो जुबान काटने के लिए पहुंचा है तो मीसम ने पूछा क्यों आया है क्या मुझे भेजा हाकिम ने है क्या करने के लिए भेजा है? खंजर हाथ में का तेरी जुबान काटूंगा का जाके पहले कह दे कि मेरे मौला का फरमान सच्चा हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह अकबर ऐसे होते हैं अली के नौकर अपनी जुबान की फिक्र नहीं है अल्लाह अकबर कहते हैं जुबान कैसे काटी गई या तो यहां गर्दन पर सुराख किया गया यहां से जुबान खींच के निकाली गई या ये दहान ऐसा चीरा गया कि यहाँ से ज़ुबान खींच के निकाली गई बास कहते हैं मुँह में लगाम डाल दिया गया था अल्लाह अकबर खून बहता था मीसम अली से मोहब्बत का इजहार करते थे बस मैं सोचता हूं मीसम आपके हाथ पांव काटे गए आपकी जुबान काटी गई खून बहता रहा मीसम अगर आपके सामने आपके घर वाले तो न थे हाय करबला हाय गुरबत आल मोहम्मद जहा जहां बच्चे बे आसरा रह गए जब अब्बास के बाजू कटे वहा गुरबत आए मिसम आपके हाथ काटे गए थे उधर अब्बास के बाजू कलम हुए मिसम आपको किसी को पानी तो नहीं पहुंचाना था लेकिन हाय मश के शकीन अब्बास ये कह के रुखसत हो गए आका मेरी लाश को खेमे में लेके ना जाए अरे सकीना से वादा किया था अब्बास शर्मिंदा है अरे पानी भी ना ला सका वाह मोहम्मद वाह मुसीबत बस वा आखिरी जुमला मेरे मोहल्ला के दोनों बाजू कटे हैं मैं सोचता हूँ मीसम के हाथ कटे कलाई के पास से बास कहते कोनी के पास से मोहला अब्बास के बाजू शानों के पास से काटे गए हाय कटे हुए शान कयामत के मैदान में सैयद आके इस अदा के दामन में इस तरह से आएंगे कि सैयद फरमाएंगी ए हसन के बाबा जाके मेरे बाबा से कह दीजिए उम्मत की शफात के लिए मेरे बेटे अब्बास के कटे हुए बाजू का भी ألا ولانة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا عيما قلما ينقلبون بار الله محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی میں قبول مقبول فرما بار الله وسطى محمد وآل محمد کا پروردگار میثم ابن یحییٰ تمار کا परवरदिगार तमाम महब बानेहल बैत मबान अमीरम्न को मौला बल सलाम के और रोज़े की ज्यारत नसीब फरमा तमाम महबान अहल बैत को मौला बल सलाम के बाज़ुओं का वास्ता मौला की शफात नसीब फरमा वास्ता मोहम्मद मोहम्मद का जितने हाथ तेरी बारगाह में दुआ के लिए बुलंद है मालिक माह रमज़ान की दूसरी शब है परवरदिगार तमाम की मुरादें पूरी फरमा बाराला वास्ता महम्मद महम्मद का इमाम ज़मान सलासम के जहर में ताजील फरमा और हम सब को इमाम सलातम के अदना तरीन ख़िदमत गुजारों में शामिल फरमा शोर फ़ात की इतमास से पहले ये बात आपकी खदमत में दोहरा दी जाए कि नमाज जमात का एक अहतमाम किया जाता है कई सालों से यहाँ पर नमाज क़़ाए उम्री के वान से जिनकी नमाज़ें अपनी क़ज़ा रहती हैं उनके लिए एक आसानी है कि वो जमात के साथ अपनी नमाजों की क़ज़ा को अंजाम दे सकते तो रोज़ दो दिन की नमाज क़ज़ाए कज़ाएमी जमात केनवान से मुनक़िद की जाती है और ये कई सालों से आपकी खिदमत में अमल अंजाम पा रहा है तकरीबन इसकी कोशिश हमारी ये होती है इसमें कि हम माह रमज़ान के आखिरी रात तक पहुँचते पहुँचते एक हज़ार रकत नमाज़ जमात से मुकम्मल कर लें और जो एक हज़ार रक्त नमाज जमात से मुकम्मल करने वालों में नमाजी हजरा शामिल होते हैं उनके नाम फिर कुरानदाजी में इन शाला इस साल शामिल किए जाएंगे और किसी भी एक खुश नसीब के लिए ज़्यारत इमाम हुसैन आसलाम बतौर इनाम के होगा अब आपसे इतमाशे के दो फ़ायदे हैं नमाज कदा भी हो जाएगी ज़्यारत मौला हुसैन भी हो जाएगी किसी ने मशवरा दिया था कि इसमें आप अगर नमाज शब तो जमात के शक्ल में आप लेकर आ जाएं तो मशवरा तो अच्छा है मगर बड़ा मुश्किल है कि नमाज शब बहुत सवाब वाली है मगर वाजिब नहीं है नमाज शब अगर हम शक्ल जमात में रोज करेंगे तो एक दिन की नमाज कज़ाई उम्री कम हो जाएगी लिहाजा वक्त को देखते हुए कि नमाज शब का वक्त अफजल तो आखिर शब में है शब के बाद लिहाजा इन खुदा ने चाह खुदा के रसूल ने चाह आल मोहम्मद ने चाह तो ये नमाज़ें ऐसी अदा की जाएँ कि कबूल भी हों और मकबूल भी हों तो आप सबसे इल्तमास है कि शोर फातिहा का नाम दिया जा रहा है आप शोर फातिहा की तिलावत कीजिएगा और उसके बाद नमाज जमात में शिरकत आज की इफ्तार जिन मरवीन के साले सवाब के लिए थी उनके लिए सूर्य फातह की इल्तमास है मरहूमा इज़्ज़त खानम इल्मी गरवी मरहूम मोहम्मद हुसैन सूफ़ी इनायती मरहूम गुलाम अब्बास वलन मियाँ नकवी जिनकी बरसी है मरहूम निसार हुसैन वलन मियाँ नकवी मरहूमा बानो बीबी आज़म मियाँ नकवी मरहूम वलन मियाँ मौला बख्श नकवी मरहूम अकबर अली आज़म मियाँ नकवी मरहूमा नरज़स ख़ातून वलन मियाँ नकवी मरहूमा कनीज़ मासूमा शब्बर हुसैन नकवी नकवी फैमिली के मरहूमीन, आपके मरहूम मरहूमल मरुम मुश्तिदीन शहदा इस्लाम इमाम बारगा के वॉलंटियर्स के मरहूमिन इमाम बारगा के मरहूम वॉलंटियर्स और उन मरहूमिन को याद करते हुए जिनके लिए कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है फातिहा